हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फी मानशूर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DITM कॉलेज के बारे में, यानी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कॉलेज सोनीपत हरियाणा में लोकेटेड है, लेकिन ये GGS IPU से एफिलिएटेड है। IPU यूनिवर्सिटी का ये एक पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो भी पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, सारी इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, BTech के लिए इनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या की पॉइंट्स है, कैसे आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपका मेन में और आईपीयू सेट में अच्छा खासा स्कोर नहीं है, आपकी रैंक नहीं आई, तो आप अपना एडमिशन यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। और हाँ, कट ऑफ के बारे में भी इस कॉलेज की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी एक अच्छा, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। सोनीपत में NH1 सोनीपत हरियाणा में लोकेटेड है, यानी नेशनल हाईवे पे ही लोकेटेड है। आपको ज़्यादा ऐसा मतलब अंदर की तरफ जाके भी ये कॉलेज नहीं मिलेगा, सही इसकी लोकेशन है। एंड बात करूँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन IPU से एफिलिएटेड है, साथ ही AICTE से अप्रूव्ड भी है। कोर्सेज़ की अगर बात करूँ, UG और PG दोनों ही कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंट्रेंस बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्टेड है, यहाँ पे आप मतलब जो IPU CET का इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक्सेप्टेड है JEE मेन के एग्जाम के थ्रू। इंजीनियरिंग में आप अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसकी क्या प्रोसेस है वो वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आप वो कर सकते हैं वहाँ जाके भी, एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल इन दिनों में तो वो एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करेगा यहाँ पे एडमिशन कराने में। DITM इज ISO 9001 रेशो 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। DITM इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ AIMA, Dell.NET एंड AIU, और अप्रूव्ड AICTE से है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। और अब हम बात करते हैं यहाँ की कुछ रैंकिंग के बारे में, उसके बाद हम BTech के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो रैंक्ड बेस्ट प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली NCR अवॉर्डेड बाय कैटलिस्ट रिसर्च इन 2016, रिसीव एसोसियम नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2015-2016 फॉर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया। तो इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग सुनने के बाद आप लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कॉलेज है वो काफ़ी पॉपुलर है अपने एरिया में, दिल्ली NCR के अंदर। आप ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की इनकी क्या प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है सारे हम डिस्कस करते हैं। तो BTech आपका 4 साल का ये प्रोग्राम है। इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो +2 में आपके PCM में 55% सब मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। JEE मेन की परसेंटाइल और IPU CET के स्कोर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूँ, तो 1 लाख पर ईयर इनकी यहाँ पे हर साल की फीस रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको कुछ मतलब सिक्योरिटी फीस भी पे करनी पड़ती है, एंड एडमिशन फीस जब आप एडमिशन कराने जाते हैं, और इसके अलावा सिर्फ एक और मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, वो आपका पूरा पैकेज बन जाता है। यानी 1 लाख है, तो इससे 10-20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा आपके लग जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ आपका यहाँ पे होता नहीं है फीस में। हॉस्टल के चार्जेस अलग हैं, यहाँ पे 60-70,000 पर ईयर आपका यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस रहते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है फीस की, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ के कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको बताऊँ, और उनकी सीट कितनी अवेलेबल है। तो ये आपकी टोटल सीट है, तो अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम है, आप यहाँ पे अपना अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका एडमिशन हो ही नहीं पाता है। JEE मेन की परसेंटाइल और मतलब जो IPU CET का, उसमें आपके मार्क्स नहीं आए होते, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। अगर आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन गेट एडमिशन के थ्रू हो सकता है। गेट एडमिशन आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में आपकी पूरी हेल्प करता है, गेट एडमिशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो यार, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब करें। आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम दिलाने में, आपका फेवरेट कॉलेज दिलाने में पूरी हेल्प करेगा, साथ साथ आपको फ्री करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप एंड लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी मतलब चाहिए तो आपको मिलेगा, एंड इतनी सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल रही हैं, तो कॉल क्यों ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ कितनी रह जाती है IPU CET की या फिर JEE मेन की। तो जो कंप्यूटर साइंस की इनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, वो थी 1,31,000 अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इनकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 1,77,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनकी कट ऑफ थी 2,33,000। सिविल इंजीनियरिंग की 2,54,000 अप्रोक्सीमेटली इनकी जो कट ऑफ थी। तो अब अगर हम बात करें यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज काफी पॉपुलर है, इसी की वजह से इनको रैंकिंग इतनी सारी मिली हुई है। मतलब दिस इज द बेस्ट कॉलेज अमंग प्लेसमेंट के जब हम बात करते हैं। हाइस्ट पैकेज 20 लाख पर एनम का यहाँ पे है अभी तक का। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे एवरेजली मतलब 4 लाख 5 लाख 6 लाख के अराउंड देखने को मिल जाता है। ये सारा आपका प्लेसमेंट है। आगे बढ़ के हुए यहाँ की स्कॉलरशिप के बारे
बारे में बात करूँ तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, स्पोर्ट्स की भी मिल जाती है स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड मतलब अगर आपको 12th में अच्छे खासे मार्क्स हैं, जेईई मेन IPSC 8 में अच्छा स्कोर आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी 50%, 75% और हो सकता है 100% भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं। एंड अगर बात करूँ यहाँ के कुछ फैसिलिटीज के बारे में, कैंपस काफी अच्छा है, बढ़िया ग्रैंड सा एक अच्छा सा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है यहाँ का, इसी क्लासरूम से मिल जाएंगे, वाईफाई इनेबल कैंपस है, लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऑडिटोरियम्स हैं, लैब्स हैं, लैब्स बहुत जरूरी होते हैं ठीक है, टेक्निकल लैब्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर लैब्स भी हैं, ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं, कैफेटेरिया भी है और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, मेडिकल की भी मिल जाएगी जो अगर इमरजेंसी के लिए कुछ है तो ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है? गेट एडमिशन के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज़रूर अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।